दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों दुनिया में कभी न कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि पूरे मानव जाति को हिलाकर रख देती हैं और सबको ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ऐसा कैसे संभव है। आज मैं आपको भारत में घटित कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपने आज से पहले शायद ही कभी सुना होगा। और दोस्तों आखिर में आपको मैं ऐसे 9 लोगों की कहानी बताने वाला हूं जो कि भारत के थे और उनके पास ऐसी शक्तियां थी कि वो एक ही बार में पूरे पृथ्वी का नाश कर सकते थे। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना। तो चलिए अभी सीधा वीडियो के मेन पार्ट पर आते हैं। प्रहलाद जैनी। दोस्तों आपसे मेरा एक सवाल है कि आप बिना खाए पिए कितने दिन तक रह जाओगे? आपको ना पानी पीना है और ना ही अन्न का एक टुकड़ा खाना है, तो आपका क्या जवाब होगा? एक दिन, दो दिन या ज्यादा से ज्यादा एक महीने, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लेकिन गुजरात में रहने वाले प्रहलाद जैनी ने आखिरी 70 सालों में कुछ भी नहीं खाया है और ना ही जल का सेवन किया है। और यही नहीं, आज भी वो जीवित हैं। इनके नाम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है हाईएस्ट लिव विदाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग का। आज इनकी उम्र 83 साल की है और दोस्तों साल 2010 में 22 अप्रैल से लेकर 6 मई तक इनके ऊपर 6 डॉक्टर की टीम ने अलग अलग कैमरे की हेल्प से नजर रखी थी और डॉक्टरों का मानना था कि वो 3 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे, लेकिन उन्होंने 15 दिन तक बिना कुछ खाए पिए गुजार लिए थे और उसके बाद डॉक्टर भी परेशान और हैरान थे। लेकिन उस समय प्रहलाद जैनी का कुछ ऐसा रिएक्शन था। सोनिक बूम इन इंडिया। ये घटना 18 दिसंबर साल 2012 की है। राजस्थान के जोधपुर गांव में एक अनजानी आवाज सुनाई देती है जो कि किसी फाइटर प्लेन की तरह रहती है, लेकिन फाइटर जेट की भी आवाज इतनी तेज नहीं होती। और इस घटना के बाद हिंदुस्तान के और भी राज्य जैसे कि बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, मध्य प्रदेश, पंजाब में भी ये आवाज सुनाई देती है और अगले 7 से 10 दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। इस घटना के ऊपर उस समय बहुत सवाल भी उठे थे कि आखिर ये आवाज किस चीज की है, और लोगों के बीच भी काफी दहशत बना हुआ था और उसके ऊपर से काफी बड़े बड़े नेता और हस्ती इसके ऊपर प्रतिक्रिया कर रहे थे। और दोस्तों ये घटना तब ज्यादा रहस्यमय हो गई जब ये आवाज हिंदुस्तान को छोड़ के दुनिया के और भी दूसरे बड़े बड़े देशों में सुनाई देने लगी। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ये आवाज कहीं ना कहीं सुनाई दी थी। आप एक बार आवाज सुनिए। दोस्तों भारत के हिमालय पर्वत पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है गियो। ये गांव समुद्र तल से 10,499 फीट ऊपर है, लेकिन फिर भी यहां पर्यटक जाना पसंद करते हैं क्योंकि इस गांव में आपको एक मंदिर मिलेगा जिसे लामा टेंपल बोला जाता है। और इस मंदिर में आपको एक कंकाल देखने को मिलेगा जो कि बताया जाता है एक मॉन्क का है। गांव वालों का बोलना है कि उनका नाम सांगा तेंजिन है, ये एक मॉन्क है यानी कि एक सन्यासी है। गांव वालों का मानना है कि वो आज भी जिंदा है और ध्यान मुद्रा में है। गांव वालों का ये भी कहना है कि साल 1789 के आसपास ये भारत आए थे और उन्होंने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया था, पर इस गांव की और ज्यादा खुशहाली के लिए उन्होंने गांव वालों से कहा कि वो एक मौन साधना करने जा रहे हैं और जहां वो बैठे थे साधना के लिए आज भी वो वहीं पर ही बैठे हुए हैं। आज उन्हें पूरे 211 साल बीत चुके हैं। सबसे रहस्यमय बात तो ये है कि जब आप इस मम्मी को देखोगे ये सही में आपको ऐसे पोजीशन में दिखाई देगी जैसे कि एक मॉन्क बैठ के साधना कर रहा हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इतनी एक्सप्लेनेशन और स्पीड के साथ सिर्फ इसी चैनल पर मिलती है। शांति देवी प्रीवियस बर्थ। क्या आप लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हो? ज्यादा लोगों का जहां पे जवाब होगा नहीं, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप इस पर थोड़ा यकीन करने लगोगे। ये बात है 1930 की। शांति देवी का जन्म दिल्ली में होता है, लेकिन जब वो 4 साल की होती है तब सबसे बहस करने लग जाती है कि उनका नाम शांति देवी नहीं है, उनका असली नाम लूजी है। और वो ये भी बोलती है कि उनके असली माता पिता ये लोग नहीं है। वो अपनी माँ से बोलती है कि आप मेरी असली माँ नहीं हो। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी कहानी बताती है, वो अपने गांव का नाम बताती है। वो ये भी बोलती है कि इससे पहले वाले जन्म में एक बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी मौत हो गई थी। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन जब उनकी ये हरकतें ज्यादा हो जाती हैं तो उनके माता पिता ये निर्णय लेते हैं कि वो इस चीज का जरूर पता लगाएंगे और वो शांति देवी के कथन अनुसार उस गांव में जाते हैं जहां पर शांति देवी का मानना था कि उनका असली घर और माता पिता हैं। और जब वो वहां पहुंचे तभी पता लगता है कि इस गांव में एक लूजी नाम की महिला रहती थी जो कि एक बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई थी। और इसके बाद भी जब ये सारी बातें सच निकली तब उस गांव की पुलिस और गांव के लोगों ने मिलकर एक गेम खेला जिसमें उन्होंने 11 अलग अलग लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया जिनमें से एक लूजी का पति भी था। तो दोस्तों शायद आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन उस 4 साल की बच्ची जिसका नाम सरिता देवी था उसने अपने पति को ढूंढ लिया था। जो पति लीजा का था
उसे सरिता देवी ने कैसे ढूंढा, ये आज तक एक सवाल बना हुआ है। नाइन पीपल ऑफ एम्पायर अशोका, यही आज की आखिरी और सबसे प्रचलित कहानी है। 273 ईसा पूर्व में सम्राट अशोका जब कलिंग युद्ध जीत गए थे, लेकिन इस युद्ध में लगभग 7000 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे। इतने लोगों को मरा हुआ देख के अशोका ने यह निर्णय लिया कि आज से वो किसी भी युद्ध में नहीं जाएंगे और वो आज के बाद युद्ध करना छोड़ देंगे। और इसके बाद उन्होंने 9 अलग अलग लोगों को अपने किले में बुलाया और उन सबको 9 अलग अलग किताबें दी और उनको कहा कि इन किताबों की हमेशा हिफाजत करना, इनको गलत हाथों में मत लगने देना। माना जाता है कि उन किताबों में समय यात्रा, विज्ञान, गणित, मानव जीवन और मरण के सभी राज थे, तो उसमें युद्ध नीति और अस्त्र शस्त्र के भी काफी राज छुपे हुए थे। अशोका ने जिन्हें ये किताब दी थी वो भी खुद युद्ध कला और जादूगिरी में बहुत माहिर थे और आज भी माना जाता है कि वो किताबें असलियत में कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं। और दोस्तों ऐसी ही एक किताब सैन फ्रांसिस्को में साइंटिस्ट को मिली थी, लेकिन अभी अगर मैं उस किताब की बात करने लगा तो शायद ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो दोस्तों यही थी आज की इन्फॉर्मेशन, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर में शेयर भी कर देना। अब आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।